जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके और साइंस को मिलाकर एक छोटा सा टेस्ट को लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और इस टेस्ट पेपर में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। चलिए तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर डी केरल। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए साथियों, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक। और विश्व में पूछे सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ब्राज़ील में होता है। कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में, इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक विद्यमान है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई रहेगा, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का पूछा जाता है कौन कौन सा वृक्ष है? तो याद रखिएगा, साल हो गया, सागवान हो गया, शीशम, चंदन, बरगद, आम, कटहल, ये सभी उष्णकटिबंधीय के प्रमुख वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्न संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना दिया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए, कौन सा संशोधन था जिसके तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है 69वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब? 1991 में, ध्यान रखिएगा 1991 में। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो देखिए, मतदान करने की जो उम्र है पहले क्या था? 21 वर्ष था, और इसे घटाकर किया गया है 18 वर्ष। तो ये किस संशोधन से किया गया था? तो इसी 61वां संविधान संशोधन से, जो कि हुआ था 1989 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, माप तौल के दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप लोग, माप तौल के दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस देश की देन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस की देन है। अच्छा, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, राजक्रांति, 1789 में, और जिस समय फ्रांस में राजक्रांति हुई थी उस समय वहाँ का शासन कौन था? तो याद रखिएगा, लुई सोलहवां के शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को, यहाँ पर सही कर लीजिए, 1946 होगा, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का आधार बना था? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, इसका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए आप लोग,
कौन सी एक संस्था है जो कि विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। सेबी की बात करें तो सेबी जो है शेयर बाजार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। इकोमार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या हो? तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या होगा, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल हो। जो भी उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल होता है उसी पर इको मार्क दिया जाता है, ध्यान रखिएगा इको मार्क। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? चलिए किसके द्वारा आंसर बताइए आप लोग। कृषि उपज के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा अजित कुमार मोहंती। आगे देखिए अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए साथियों, अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा के तुलना में मूल्य का घटाना अवमूल्यन कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अन्य मुद्रा के तुलना में जो स्वदेशी मुद्रा है इसके मूल्य को घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए आंसर कीजिए 12 के लिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आइए सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ये गलत है। हमने आपको कई बार बताया है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए लाइसोसोम की बात करें तो आप सभी जानते हैं आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। और कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, बलिया। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। एक तो क्लास का टाइमिंग 2:30 है, और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं लाइव के साथ में, तो इसके लिए आप लोग रात 8 की क्लास को देखिए, ठीक है। तो सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और लेड के मिश्रण से बनता है सोल्डर। क्या बनता है? टीन और लेड के मिश्रण से बनता है सोल्डर। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अश्रु गैस में क्लोरीन होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। सिरका यानी कि विनेगर जो है निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका को ही विनेगर बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसका वाणिज्यिक नाम है? तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, एसिटिक अम्ल का। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे बता देते हैं, एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछे तो CH3
COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। आगे देखें, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। आंसर कीजिए फटाफट से, उस कण का नाम क्या है जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, तो यह है न्यूट्रॉन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, न्यूट्रॉन। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए, घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? तो याद रखिएगा, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पॉलीस्टीरीन। याद रखिएगा, पॉलीस्टीरीन जो है संश्लिष्ट पॉलीमर है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। परागण के दौरान परागणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग कौन सा होता है? चलिए आंसर बताइए, परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हक बिंदु। क्या होता है? हक बिंदु। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? चलिए, क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम में। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु मानव का संक्रामक है? तो इसका आंसर है H5N1। ठीक है, H5N1 एक विषाणु है जो कि मानव संक्रामक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, H5N1 विषाणु से होता क्या है? तो बर्ड फ्लू होता है। क्या होता है? बर्ड फ्लू। और एक होता है H1N1, इसके कारण होता है स्वाइन फ्लू। ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए साथियों, थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें, ये अवटु ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ पर? अवटु ग्रंथि, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी को बोला जाता है थायराइड ग्लैंड, इंग्लिश में बोला जाता है थायराइड ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, और हिंदी में अवटु ग्रंथि। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में ले जाने वाला रसायन कौन सा है? आंसर कीजिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली रसायन कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना, ये दोनों कार्य है व्यावसायिक बैंक का। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक पूछे कौन सा है? तो SBI जो है भारत का क्या है? सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन उद्योग को। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए, बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, JB से। किसने किया था? JB से ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? तो लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। आगे देखिए, ककोलत जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है?
चलिए तीस के लिए आंसर बताइए, ककोलत जलप्रपात ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो याद रखिएगा अपना बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए, कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 82.5 डिग्री ईस्ट। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? चलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? चलिए 33 के लिए आंसर बताइए, अदिश राशि, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पावर यानी कि शक्ति क्या है, अदिश राशि है, बाकी विद्युत फील्ड, औसत वेग, चुंबकीय परिबल ये सभी सदिश राशि के उदाहरण है। अस्थाई चुंबक किससे बनाया जा सकता है? तो प्यारे साथियों अस्थाई चुंबक को किससे बनाया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात से बनाया जाता है अस्थाई चुंबक को। ध्यान दीजिए यहाँ पे अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। जीव विज्ञान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो प्यारे साथियों जीव विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, किसे जाना जाता है? अरस्तु को। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही से आंसर किए हैं, ठीक है।